नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ महेश राम और आज मैं लेके आया हूं राजस्थान की प्रसिद्ध रेसिपी गट्टे की सब्जी। दोस्तों, राजस्थान में ये इतना प्रसिद्ध है कि वहां पे जब भी कोई त्यौहार होता है या कोई फंक्शन होता है तो ये रेसिपी ज़रूर ही बनता है। तो दोस्तों, मैं शेयर करने वाला हूं कुछ खास टिप्स, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ दोस्तों। तो चलिए, पहले हम एक बर्तन में तकरीबन 1.5 कप बेसन लेंगे, और अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, नमक स्वादानुसार, और साथ ही हम ऐड करेंगे अजवाइन तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसे हमने मसल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको गूंथ लेंगे, बहुत कड़क नहीं गूंथना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह इसे गूंथना है, ना ज़्यादा कड़क हो ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो हमने गूंथ लिया है, देख सकते हैं आप। और हमने मीडियम साइज की लोई बना लिया, और इसे हम गोल गोल इस तरह से बना लेंगे। देख सकते हैं हमने तैयार कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई में पानी ऐड किया है, और इसे हम बॉयल होने देंगे। जब ये बॉयल होने लगेगा तभी आप डालें इसमें। तो बॉयल हो चुका है, अब देखिए इस तरीके से सब हम डाल देंगे, और इसे अब हम ढक देंगे और पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है, तो चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं। अगर पक गया है तो इसे हम छान लेंगे। तो छानने से पहले हम इसे चेक कर लेंगे, तो चाकू डाल के हमने चेक किया है, पक चुका है ये। तो चलिए इसे हम छान लेते हैं। और अब हम एक बर्तन में तकरीबन 1.5 कप दही लिया हुआ है, और इसे अब हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, ध्यान रहे इसमें लम्स ना रहे। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, उसके साथ ही हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से दही में मिक्स हो चुका है हमारा मसाला। तो इसे हम साइड में रखेंगे, और जो गट्ठे हमने छान लिया था उसे अब हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट कर लिया है, और एक प्लेट में हम खाली करके रख देंगे। तो साइड में रख दिया इसे, और अब हम एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून घी ले रहे हैं हम। कोशिश करें, दही की सब्जी है तो घी में ही बनाएं, अगर नहीं है आपके पास घी अवेलेबल तो आप तेल में भी बना सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा 1 टीस्पून, और साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन 1/2 टेबलस्पून, अदरक 1/2 टेबलस्पून। जिनको अदरक और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप ये सब स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ जीरा और हींग के तड़का लगा सकते हैं। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं एक प्याज भी, तो उसको भी हमने बारीक कट कर लिया है और ऐड कर दिए हैं। और साथ ही बारीक चॉप किया हुआ 2 हरी मिर्च लिया है हमने तीखी वाली, उसे भी ऐड किया है, और साथ ही हींग 1/2 टीस्पून। और इसे बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाए उसके बाद आप दही ऐड कर सकते हैं।
तो देख सकते हैं प्याज मेरा रेडी हो गया है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। उससे पहले हमने गैस फ्लेम को बंद कर दिया है, तो मसालों में हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस फ्लेम को चालू कर सकते हैं और इसे लगातार हिलाते रहें जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए, नहीं तो दही फट सकता है। तो देख सकते हैं उबाल आ गया है और दही बिल्कुल भी नहीं फटा है हमारा। तो इसे अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। तो दही हमारा पक चुका है, ऑयल भी रिलीज हो चुका है इसमें, देख सकते हैं आप। और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, साथ ही हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। आप देख सकते हैं ना टमाटर ना प्याज की ग्रेवी है, फिर भी कितनी लजीज दिख रही है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गट्ठे और जो हमने बॉयल किया था वो पानी बचा के रखा है, तो अगर पानी डालना है आपको तो वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और अब हम और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देख सकते हैं पक चुका है और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून के आसपास धनिया। तो देख सकते हैं अब हमारा जो गट्टे की सब्जी है बिल्कुल सर्व के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में खाली कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कितनी आसानी से गट्टे की सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। उसी से मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।